सिटी वैम न्यूज में प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर सहारनपुर बुलेटिन की पहली बड़ी खबर के साथ। शाकुंभरी देवी पर नहीं रुक रहा इंद्रदेव का कहर, अचानक आई बाढ़। बेहट के शाकुंभरी देवी परिसर में नदियां एक बार फिर उफान पर हैं। आपको बता दें, बीते दिन एक बार फिर अचानक बाढ़ आने से पानी में श्रद्धालुओं के वाहन और कई पशु बह गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। कार्यकाल बढ़ने पर प्रधान ही हो प्रशासक, अखिल भारतीय पंचायत संगठन के पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव के संबंध में आज मंडल कार्यालय पर बैठक की। क्या बोले अखिल भारतीय पंचायत संगठन के जिला अध्यक्ष सतवीर यादव, सुनिए। आज जनपद सहारनपुर पे मंडल कार्यालय पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय पंचायत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश यादव जी का आना हुआ। और मीटिंग में मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों की समस्याओं को अवगत कराया। मुख्य समस्या ये रही कि जो प्रशासक के रूप में अभी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ने जा रहा है, तो संगठन की ओर से मांग की गई है कि ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधान को ही चुना जाए। अगर एक्शन समय अवधि बढ़ती है तो चाहे 6 महीने बढ़े या 1 साल बढ़े, क्योंकि कोरोना काल के समय में ग्राम प्रधानों ने बहुत ही ईमानदारी और लगन से काम किया है, तो इसको देखते हुए ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए, संगठन की मांग की गई है। सहारनपुर जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को रोजाना कोरोना के 500 RT-PCR जांच करने के निर्देश दिए। एमपी सिंह चावला हुए ब्रेव कोरोना वॉरियर खिताब से सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रोटरी क्लब के उत्तर प्रदेश के रोटरी क्षेत्र संख्या 3080 के रोटरी वर्ष 2019-2020 के गवर्नर जितेंद्र डिंगरा की अनुपस्थिति में सहारनपुर के वरिष्ठ रोटेरियर व पूर्व सहायक गवर्नर राजपाल सिंह के माध्यम से एमपी सिंह चावला को ब्रेव कोरोना वॉरियर के खिताब से सम्मानित किया गया। सहारनपुर पुलिस के हाथ लगा टॉप 10 अपराधी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत नकुड़ पुलिस द्वारा टॉप 10 अपराधी नवीन कुमार को एक तमंचा नाजायज, 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। नगर के विभिन्न मोहल्लों में गंदगी देख नगर स्वास्थ्य अधिकारी भड़के, संबंधित अधिकारियों को दिए सफाई कराने के कड़े निर्देश। अम्बेटा कस्बे में एक डॉक्टर को सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना पड़ा भारी, क्लिनिक हुआ सील। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु नकुड़ उपजिलाधिकारी अपनी टीम के साथ नकुड़ क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे, तो एक चिकित्सक के यहां मरीजों का भारी जमावड़ा लगा हुआ था, जिस पर उपजिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर क्लिनिक को सील करते हुए चिकित्सक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती से छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे। जी हां, मामला है बेहट के भुरसढोली का, जहां एक युवती से छेड़छाड़ के मामले में दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए और कई लोग घायल भी हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। We'll be right back.